नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि लगातार मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच मछुआ समाज को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता किया। वहीं प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। आज मेरे और माननीय सांसद अजय निषाद जी के नेतृत्व में बिहार के मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल, माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने तीन मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है, अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके मांगों से पूरे तौर पे अपने आप को संबद्ध करती है। देखिए, भारत में दो सोसाइटी है जो बिल्कुल एक समाज के हित के उद्देश्य से बना है, वह है बुनकर की सहकारिता और दूसरा मछुआ मत्स्यजीवी सहकारिता। या जो लोग परंपरागत मछली मारते थे या जो परंपरागत बुनकर की कारीगरी का काम करते थे उन्हीं का है, और इसको बिल्कुल ओपन कर देना कि किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी ओपन होने से जाहिर बात है कि वो बन जाएगा। भाजपा भी इसको बिल्कुल गलत मानती है। जो 15 मार्च का मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री का फैसला था, उसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और मुझे खुशी है कि हमारे वर्तमान मंत्री जी ने माना कि यह ऐसा करना जो परंपरागत मछुआ समाज है उसके साथ नियम निकालेंगे कि जो चुनाव मंत्री का और अध्यक्ष का होना चाहिए उसमें किसी सरकारी अफसर का दखल नहीं होगा, और साथ ही वह सहकारिता विभाग से भी बात करेंगे कि जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक इसको रोका जाए। परंपरागत मछुआ को डिफाइन करना केवल और केवल पशुपालन एवं मत्स्यजीवी मंत्री का काम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वर्तमान मंत्री तारकिशोर जी मत्स्यजीवी समाज के साथ नहीं करेंगे। मुकेश सहनी जी के जो आदेश था उसको आप पलट देंगे? बिल्कुल, उनका 15 मार्च का जो आदेश था कि एक प्रबंधक बैठेगा सहकारिता में, कहीं भी सरकारी अफसर की निर्णय का कोई नियम नहीं होता, और जो 15 मार्च को उन्होंने यह निर्णय किया था कि प्रबंधक बैठेगा, वह नियम हर हालत में बदलना ही चाहिए। एनडीए समग्र रूप से सभी सीटें जीतेगी, एक दो सीट इधर उधर हो सकता है इत्तेफाक से, लेकिन एमएलसी जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और जनप्रतिनिधियों को अधिकार केवल वर्तमान में जो एनडीए का शासन है 2005 में इसी ने दिया था, और उस बात को हर व्यक्ति याद रखता है, और इसीलिए इसमें सभी सीटों पर हमारी सफलता मिली। जायसवाल जी, आपने कई बार कहा कि शराबबंदी में जो है बहुत तरह के गरीब लोग फंसे हुए हैं, कई बार आपने आवाज उठाई। कल जो सरकार 2000 से लेकर 5000 तक एक फाइन अप्लाई कर दिया, अगर पहली बार कोई पीते हैं, आपको लगता है कि गरीब और जो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कोर्ट से बिल करा पाए, उनको एक राहत मिली है? इस सरकार का यह फैसला बहुत ही अच्छा है और दूरगामी है। हम बहुत सारे व्यक्ति निर्दोष भी इसमें फंसते हैं। मैं खुद पिछले बार भी कहा, आज भी कहता हूँ कि 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, और उसके गाड़ी में अगर कुछ मिले 10 इंसिडेंट्स मैं जानता हूँ जिसमें एक परिवार दिल्ली से जा रहा था बंगाल या अरुणाचल प्रदेश और उसके
गाड़ी में अगर कुछ मिल गया तो उसके कारण उसको गाड़ी भी सील हो गई, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ेगा। तो यह निर्णय बहुत ही दुर्गामी है। जो लोग शराब का व्यवसाय करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो गलती से या किसी कारणवश भूलवश ये सब करते हैं उन पर एक फाइन करके पहली बार छोड़ देना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार जायसवाल जी फेल कर रहे हैं और जिसका परिणाम दिख रहा था, और अब जुर्माना लगाकर छोड़ने से एक तरह से ये भी संदेश गया है कि पीने वालों पर अब कोई ऐसी बात नहीं है। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार के कार्रवाई के साथ। जसवाल जी, कभी आप कहते थे जंगल राज की बात करते थे, आज आपके राज्य में AK-47 AK-56 चल रहा है, रोज हत्याएं हो रही है, क्या कहेंगे? आपके ही नेता कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं योगी मॉडल चाहिए। आपको लगता है कि एक सख्त एक्शन की अब जरूरत है बिहार में? बिहार में कानून व्यवस्था में और 2005 के पुरानी कानून व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो अपराध करते हैं वह पकड़े जाते हैं, और मुझे खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर इसका संज्ञान लिया है, और यही कारण है कि लगातार ADG और DGP थानों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ तुरंत दिखेगा। धन्यवाद सर। पेट्रोलियम पदार्थ में जो लगातार आपने साफ तौर पे कहा है कि आज सांसद अजय निषाद और डॉक्टर संजय जायसवाल BJP प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक लिया गया है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। वहीं उन्होंने इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष और मंत्री पद की चुनाव हो और सरकारी अधिकारी को, सरकारी पद को इस पर से हटाया जाए। और वहीं कल बीते दिन MLC चुनाव को लेकर 24 सीटों पर संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि एक दो सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन जीत NDA की ही होगी। ऐसे खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए 4 Pillar Live से। मैं अनुज कुमार।